नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर हम भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर मैनेजर के द्वारा लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। बता दें कि आए दिन ग्राहकों से बहसबाजी के मामले सामने आते रहते हैं, वहीं शिकायत पुस्तिका मांगने पर ग्राहकों से अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। ये पूरा मामला करौंद रोड स्थित आद्यांत पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जहां पर लगातार कई मामले सामने आए हैं जिसमें ग्राहकों के साथ बदसलूकी की जा रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बताई, जहां पर करौंद रोड स्थित आद्यांत पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ मैनेजर के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल को लेकर भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, वहीं जब ग्राहक शिकायत पुस्तिका मांगते हैं तो उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर मैनेजरों की गुंडागर्दी किस तरह से चल रही है ये आप साफ देख सकते हैं। नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, आपके यहाँ पे मेरी शिकायत है और आप मुझे शिकायत ही रजिस्टर नहीं दे रहा, तो क्या रीज़न है सर, आप बताना चाहेंगे? अभी आपने मुझे एक नंबर दिया, वो राजगढ़ का लग रहा है सर, यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी है। कुछ भी कहने से इंकार कर रहा है सर, है ना? ठीक है। नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, आपके यहाँ पे मेरी शिकायत है और आप मुझे शिकायत ही रजिस्टर नहीं दे रहा, तो क्या रीज़न है सर, आप बताना चाहेंगे? अभी आपने मुझे एक नंबर दिया, वो राजगढ़ का लग रहा है सर, यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी है। आपने देखा यहाँ पर किस तरह से मैनेजर गुंडागर्दी कर रहे हैं, यानी कि एक ग्राहक जब उनसे शिकायत पुस्तिका मांगता है तो किस तरह से वे अड़ीबाजी कर रहे हैं। अब इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए लगातार इस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर मैनेजरों के द्वारा ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या है पूरा मामला? जी ना, आपको मैं बिल्कुल बता दूं, जिस प्रकार से पेट्रोल पंप है, एक तो लगातार उसमें देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले 1 दिसंबर 2020 में भी एक डॉक्टर गगन त्रिपाठी के साथ भी इस प्रकार की बदतमीजी की गई थी, जिनके पास लगातार ये देखा जा रहा था कि जो उन्होंने फुल टैंक की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी उनसे पैसे 2 बार में उनको सेट करके उनको पेट्रोल की गाड़ी में डाला गया था जी, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित में दी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उस पर किसी प्रकार शिकायत नहीं की गई जी, नहीं शिकायत उस पर सुनी जा रही, ना ही उसमें किसी प्रकार से अभी तक कार्रवाई की गई है। जी जी जी, चलिए, तो जिस तरह से शिकायत पुस्तिका यहाँ पर नहीं दी गई है ग्राहक को, हम वीडियो में देख रहे थे कि ग्राहक बार बार मैनेजर से ये विनती कर रहा था कि उसको शिकायत पुस्तिका दें, और नंबर भी गलत दिया था, तो क्या कहना है आपका इस पर कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पुलिस प्रशासन तक इस पूरा ये पूरा मामला गया है तो पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जैसे आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये पूरी अभद्रता की जा रही है, चाहे क्योंकि किसी प्रकार से अभद्रता की जाए, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर या शारीरिक रूप से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है या उनको किसी प्रकार से अपत्य भाषा का व्यवहार किया जाता है, तो उसमें जो कानून धारा बनी चाहिए उसके तहत मामला दर्ज होना चाहिए। साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार से कि जो ग्राहक को एक संतुष्टि देनी जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें संतुष्टि की कमी भी सामने निकल के आ रही है। जी बिल्कुल, तो इस तरह का ये पहला मामला है या फिर इससे पहले भी कई तरह के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं? जिन्हें से आपको बता दूं, क्योंकि 1 दिसंबर में पहले एक बार मामला जो दर्ज हो चुका है, दूसरा मामला 15 अप्रैल के आसपास का बताया जा रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से जीएस भारती के नाम के एक व्यक्ति के साथ जो है आज भी उसके साथ फिर बदतमीजी के, इससे पूर्व में भी उसके साथ ही बदतमीजी की गई है जी। जब खास भारत खबर भारत की खास जो रिपोर्ट है, हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग करने पहुंचे, यहाँ वो देखा गया था कि जिस प्रकार से वो पेट्रोल पंप का उसमें निर्माण किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक तौर पे जो अलॉटमेंट होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं काफी हेर बदल किया गया है, क्योंकि हाई टेंशन तार के नीचे
ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, जस्ट उसके पीछे करीब 50 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट बना हुआ है। आप ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से इन्हें परमिशन दी गई है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अवैधानिक है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मैनेजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप साफ वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राहक बार बार विनती करता है मैनेजर से कि उसे शिकायत पुस्तिका दें, इसके बाद भी लाख विनती करने के बाद भी मैनेजर अपनी मनमानी करते हुए अड़ा रहता है, ना ही तो मैनेजर किसी बात को सुनता है। इसके अलावा मैनेजर के द्वारा नंबर भी यहाँ पर गलत दिया जाता है, यह आप वीडियो में साफ तौर पर आपने देखा होगा। वहीं इस पूरे मामले पर जब पुलिस से बात की गई तो अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और ऐसा ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये मामला पहला नहीं है जहाँ पर इस तरह से ग्राहकों के साथ बदसलूकी की गई हो, इससे पहले भी कई मामले यहाँ पर ऐसे निकल कर आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला जो है आद्यांत पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जहां पर एक मैनेजर के द्वारा लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। शिकायत पुस्तिका मांगने पर ग्राहक को शिकायत पुस्तिका नहीं दी जाती है, ग्राहक बार बार विनती करता है मैनेजर से कि उसे शिकायत पुस्तिका दी जाए, नंबर दिया जाए जिस पर वो अपनी दुविधा बता सके, लेकिन नंबर भी गलत दिया जाता है और शिकायत पुस्तिका भी नहीं दी जाती। मांगने पर मैनेजर अपनी मनमानी करता है। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में। हेलो, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए, जिस तरह से ये ताजा मामला निकल कर आया है अभी करोंद रोड स्थित आद्यांत पेट्रोल पंप का, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मैनेजर किस तरह से बदसलूकी कर रहा है ग्राहक से। शिकायत पुस्तिका मांगने पर उसे शिकायत पुस्तिका नहीं दी जा रही है, ग्राहकों के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस सब पर? नहीं, निश्चित रूप से यदि कोई ऐसा प्रकार हमारे सामने आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी देखिए, लेकिन ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या तब कार्रवाई नहीं की गई थी? नहीं नहीं, यदि कोई ऐसा मामला सामने आएगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जी, और देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंपों में अनियमितता अक्सर देखने को मिलती है, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो, सुविधा को लेकर हो, या फिर किसी भी चीज को लेकर हो, आए दिन यहाँ पर ग्राहकों की शिकायतें आती रहती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो नहीं, क्या नहीं, आश्वासन देते हैं आप कि आगे भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं नहीं, कार्रवाइयां हम लोग बीच बीच में करते हैं, और यदि कोई अनियमितता मिलती है तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोग प्रकरण बनाते हैं। जी, लेकिन देखिए, सवाल अब ये उठता है ना कि अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर ये बार बार इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? नहीं, यदि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इनके ऊपर दूसरे जो कार्रवाइयां होंगी निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर कि देखिए, पेट्रोल मिलावट के बारे में भी कई मामले सामने आते हैं कि पेट्रोल मिलावट करके दिया जा रहा है या फिर कम पेट्रोल दिया जाता है, और इस तरह के कई केसेस भी हम देख चुके हैं। तो आप जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे या फिर इससे पहले भी कार्रवाई की जाती है, तो सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि जब इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है तो क्या इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बार बार अभी ये मतलब प्रशासन से निडर हुए बिल्कुल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और यदि कम वाली बात होगी तो निश्चित रूप से हम लोग नापतोल वालों से बात करके इन पे कार्रवाइयां कराएंगे। देखिए, और एक और बात, ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वीडियो में ग्राहक बार बार विनती कर रहा है मैनेजर से कि उसको शिकायत पुस्तिका दें, उसको नंबर दें जिस पर वो अपनी दुविधा बता सके, लेकिन मैनेजर के द्वारा गलत नंबर दिया जाता है, यानी कि अब एक आम इंसान को अगर अपनी परेशानी बताना हो तो उसे मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, क्या वो सीधा आपसे बात नहीं कर सकता है? नंबर वगैरह जो है वो डिस्प्ले होते हैं और उसमें कहीं कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है ग्राहक को, ग्राहक को अपनी परेशानी बताने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, कोई पर्टिकुलर यदि ऐसा कुछ होगा तो उसको हम दिखवा लें। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पर बातचीत की अभी
सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके से, जिनका ये कहना है कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, ये मामला पहली बार नहीं है, इससे पहले कई मामले आ चुके हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ बस चलू गई नहीं, कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर पेट्रोल मिलावट की बात कही है, पेट्रोल कम देने की बात कही है। यही नहीं, शिकायतें जब की जाती हैं तो उन्हें गुमराह किया जाता है, ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। और सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके का ये कहना है कि वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब कार्रवाई की जा रही है, लगातार अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है, तो फिर क्यों वापस से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है ग्राहकों को, यानी कि आम आदमी को अब अपनी बात रखने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। आप वीडियो में भी साफ तौर पर आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्राहक बार बार विनती करता है, इसके बावजूद भी मैनेजर के द्वारा उसे गुमराह किया जाता है, गलत नंबर दिया जाता है, शिकायत पुस्तिका नहीं दी जाती है। और इस सब पर जब सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके से बात की गई, तो उन्होंने ये कह दिया कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कब ग्राहकों को इसका हक मिलेगा, कब ग्राहकों को हित में कोई काम किया जाएगा? क्योंकि देखिए, लगातार हम ऐसे मामले देख रहे हैं, कई मामले आ चुके हैं, इससे पहले भी कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर ऐसे अधिकारी, ऐसे मैनेजर, ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए एक बड़ा चिंता का ये विषय बन जाएगा, ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी की ये बात अब खड़ी हो सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे थे। बता दें कि ये पूरा मामला जो है करौंद रोड स्थित आद्यांत पेट्रोल पंप का है, जहां पर ये ग्राहक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। इस पर जब ग्राहक सहायक आपूर्ति अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। लेकिन आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले आ चुके हैं जहां पर ग्राहकों के साथ बदसलूकी की जाती है, ग्राहकों को लताड़ा जाता है, ग्राहकों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरह के कई मामले हम देख रहे थे, और बार बार हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की सहायक आपूर्ति अधिकारी से, जिन्होंने साफ कह दिया कि वो सिर्फ अभी कार्रवाई करेंगे, आगे उनके संज्ञान में अगर कोई मामला आता है तो। लेकिन आपको बता दें कि कई मामले ऐसे आए हैं अभी तक जहां पर ऐसे कई ग्राहकों के साथ में बदसलूकी की गई है, ग्राहकों को लताड़ा गया है, ग्राहकों को गुमराह किया गया है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन के अलावा ग्राहकों को और कुछ नहीं मिला। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि कैसे ग्राहक विनती करता है मैनेजर से कि उसे कोई नंबर दे दें जिस पर वो अपनी आपबीती सुना सके, उसे शिकायत पुस्तिका दे दे जिस पर वो अपनी शिकायत लिख सके, लेकिन मैनेजर कुर्सी पर पैर रखकर बैठे हुए थे। मैनेजर के द्वारा ना ही तो नंबर शिकायत पुस्तिका दी गई, नंबर उसे गुमराह करने के लिए दिया गया, दूसरा नंबर दिया गया। इस तरह के मामले हम देख रहे हैं जिनसे साफ तौर पर अब यह समझ में आता है कि इन अधिकारियों को पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का कोई डर नहीं है। और डर हो भी क्यों, क्योंकि जब सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके से हमने बात की, तो उन्होंने भी पूरे मामले को बड़े ही आसानी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या आज तक इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर? इस तरह के मामले कई बार हमने देखे हैं, ग्राहकों को यहाँ पे लताड़ा जाता है, ग्राहकों को गुमराह किया जाता है, कई तरह के हम मामले देख चुके हैं। लेकिन सवाल आखिर वही एक खड़ा हो जाता है कि क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्या इन अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास होगा, क्या ये अधिकारी ग्राहक के हित में कोई काम करेंगे? ये सवाल एक बड़ा खड़ा होता है, और इस पर हमारे साथ संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लगातार बने हुए थे। हम एक बार उनसे फिर इस विषय पर बात करेंगे। तो प्रदीप, देखिए, जिस तरह से अभी सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके से हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे-सीधे कार्रवाई का आश्वासन देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन एक सवाल वही खड़ा होता है कि जब इससे पहले भी कई मामले सामने आए थे और तब भी सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दे दिया था, तो यह सवाल अब पैदा होता है कि क्या इस बार भी वही सब किया जाएगा, क्या ग्राहक को न्याय मिलेगा? जी नहीं, तो आपको बिल्कुल बता दूं, जिस प्रकार से ये कार्रवाई के लिए जो आदेशित तो कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की लीपापोती के चलते इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। आज ये देखा गया था कि जब जो खुद जीएस भारती, जो कि
वहां पर पहुंचे तो उन्होंने थाने में इसका आवेदन जो थाने में जाकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी। शिकायत दर्ज करवाने के दौरान भी ये देखा गया था कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग ही नहीं चाहते कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। जी बड़ी उसमें ये देखा गया था कि बड़ी मुश्किल के बाद जो है पुलिस ने उनके जो उसका आवेदन लिया था जो उसके जो धारा थी 294-506 उस धाराओं के तहत मामला दर्ज तो जरूर कर लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से जो ये पेट्रोल पंप के संचालक जिस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहे तो आखिर इन पर अंकुश लगाने में शासन कब तक बिल्कुल बिल्कुल देखिए जब हमारे बिल्कुल देखिए जब सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके से बात हुई तो उन्होंने भी सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया कि कार्रवाई करेंगे आगे की, लेकिन अब वो कार्रवाई क्या कब होती है और कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसे मनमाने अधिकारी और ये जो मैनेजर इस तरह का हम अभी मामला देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की सह पर जो कार्रवाई नहीं की जाती है अधिकारियों के द्वारा तो कहीं ना कहीं इन मैनेजरों को सह मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों की इतनी शिकायतें होने के बाद भी इन लोगों पर अंकुश न लगा पाना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए खाद्य आपूर्ति के वरिष्ठ अधिकारी हों चाहे वो इंडियन ऑयल से जुड़े हुए लोग हों कहीं ना कहीं इन लोगों को जनता के लिए सजग रूप से सामने आना चाहिए ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए ताकि जनता जो अपना पैसा दे रही है जिस इस पैसे में कहीं ना कहीं शासन को भी इसका जो है एक्साइज ड्यूटी इससे प्राप्त होती है जो एक्साइज ड्यूटी में जितना ज्यादा ज्यादा बढ़ावा मिल सके शासन को ये करना चाहिए कि इसमें कम से कम जो है इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, शासन को उसमें कहीं ना कहीं अपनी अगर जो है आगे आके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल देखिए और इस सबसे एक बात और निकल कर आती है कि आम इंसान को अब मीडिया का या फिर किसी बड़े अधिकारी का जो है सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो खुद तो अब अपनी बात यहाँ पर रख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आज हम जो मामला देख रहे हैं ताजा मामला ये हमारे सामने आया है कि ग्राहक बार बार विनती करता है लेकिन उसकी कार्रवाई उस पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये साफ तौर पर हो गया है कि अब आम आदमी को मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए, क्या वो अपनी बात डायरेक्ट किसी अधिकारी तक नहीं पहुंचा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस प्रकार से लोगों का मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो जनता काफी इन लोगों की शिकायतों करके थक चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं इन इस चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके कारण से आम जनता काफी काफी परेशान का सामना करना पड़ रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हो पाती जिससे इनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ऐसे ही जो है लगातार हम इस पर चर्चा इस पर हम इसकी जांच करेंगे, जांच करके ये दिखाएंगे जनता तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ खुलकर सामने आए ताकि जनता जागरूक हो सके और इन जैसे लोग जो जो व्यापारियों के साथ अपने जो ग्राहकों के साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं उन पर एक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। तो जिस तरह से देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की शह पर ये मैनेजर जो हैं इनकी गुंडागर्दी बढ़ रही है, इनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी सहायक आपूर्ति अधिकारी संतोष उइके से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये अपना कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वही सवाल फिर से खड़ा हो गया कि जब कार्रवाई की जा रही है इन मैनेजरों को लताड़ा जा रहा है, इन मैनेजरों पर कार्रवाई की जा रही है तो फिर वापस ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं, क्यों बार बार ग्राहकों को लताड़ा जाता है, ग्राहकों को गुमराह किया जाता है, ग्राहकों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। अब हम इस पूरे मामले पर बात कर लेते हैं जिसने ये शिकायत की थी। जीएस भारती शिकायतकर्ता जिन्होंने शिकायत की थी, अब हम उनसे भी इस पूरे मामले पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जीएस जी, जिस तरह से आपने शिकायत की थी कि यहाँ पर मैनेजर के द्वारा बस सलूकी की गई है, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या था पूरा मामला बताएं विस्तार से। हाँ बिल्कुल नैन्सी, बताना चाहूंगा कि आद्यांत जो पेट्रोल पंप है मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए गया था, मैंने पेट्रोल भी डलवाया गाड़ी में, बट वहाँ पे हवा जो है गाड़ी में मेरी हवा कम थी जी, तो मैंने वहाँ पे हवा डलवा रहा था तो जो उस पे
हवा डालने वाला वर्कर रहता है, उसने मेरी गाड़ी की हवा और कम कर दी जी। तो गाड़ी वो आने जाने लायक भी कहीं बच नहीं रही थी। मैंने बोला भाई इसमें आप हवा डाल दीजिए जी। तो वो बोलता है कि मुझे हवा डालना नहीं आता है। तो मैंने उसको ये बोला कि आपको हवा डालना नहीं आता है जी, तो फिर आप यहाँ पे क्या काम करते हो जी। तो बोला सर मुझे हवा डालना नहीं आता, आप तो मैनेजर से बात करिए जी। मैं मैनेजर के पास गया जी, आशुतोष के पास। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे अभी लड़का नहीं, आपको एक घंटा इंतजार करना पड़ेगा पेट्रोल टैंक पे, तब हवा भरा पाएगी जी। तो मैंने उसको बताया मैनेजर को कि मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है, एक घंटे में कैसे वेट करूंगा जी। तो बोलता कि नहीं वो आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हो। मैंने बोला कि भाई अभी आप यहाँ पे हवा डालने में असमर्थ है तो क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हवा डालने वाला लड़का है, बंदा है, वो अभी है नहीं, वो एक घंटे बाद आएगा। मैंने उनसे बताया कि भाई यदि आपके यहाँ पे ऐसी अव्यवस्था है, ग्राहक परेशान होते हैं, तो आप मुझे शिकायत की जो पुस्तिका होती है वो मुझे दे दीजिए, तो मैं अपनी शिकायत दर्ज करा देता हूँ जी। तो मैनेजर के ने मुझे बताया कि यहाँ पे शिकायत की बुक जो है वो आपको नहीं दी जाएगी, आपसे जो भी बनता है वो कर लीजिए जी। तो फिर जब आप इस पूरे मामले में आपने जब पुलिस प्रशासन से शिकायत करने की कोशिश की, पुलिस के पास आप गए, जब आपने इस पूरे मामले को उनके सामने रखा, तो उनका क्या कहना था, क्या कुछ कार्रवाई की उन्होंने आश्वासन दिया या फिर कार्रवाई की? जिसमें मैनेजर का मैं नंबर एरिया मैनेजर है उसको शिकायत करूंगा आपकी, तो मुझे वो बोर्ड भी नहीं दिखा गया डिस्प्ले जिसपे होना चाहिए जो अपनी ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है जी। तो मैंने वहाँ पे जो मालिक थे जेएन करके है कोई, तो उन्होंने मुझे एरिया मैनेजर के नंबर देते हुए किसी बाहर का नंबर दिया जो कि रोंग नंबर बता रहा था जी। तो इस तरह से मेरी जो समस्या थी वो और बढ़ा दी गई है। तो ये ग्राहकों के साथ वहाँ पे तो अभद्र व्यवहार किया जाता है और बदतमीजी भी की जाती है जी, बिल्कुल। लेकिन जब आप जी बिल्कुल भी किया मेरे साथ जी जी, जब आप इस पूरी मामले पर जब आपने पुलिस का सहारा लिया, पुलिस से आपने बात की, उनके सामने इस पूरे मामले को रखा, तो क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया या फिर कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, इनसे मैं बताना चाहूंगा कि आद्यांत जो पेट्रोल पंप है उसकी शिकायत मैंने संबंधित थाना जो है वहाँ पे मैं गया, थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है जी, और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है जी जी। फैंसी देखिए, तो एक और बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, वहाँ के जो रहवासी हैं उनका ये कहना है कि ये पेट्रोल पंप अवैध है, कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ बिल्कुल, इनसे बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे यदि हम नियमानुसार बात भी करते हैं तो वो वहाँ पे शमशान लगा हुआ है, शमशान के 100 मीटर दूरी पर भी नहीं है। यदि हम देखें कि ये जो पेट्रोल पंप बना हुआ है जी, ये कभी भी एक बड़े हादसे को संकेत देता है, क्योंकि शमशान भी है वहाँ पे, चिताएं भी जलती है और वहीं से लगा हुआ पेट्रोल पंप भी है। तो ये जो संबंधित एरिया है ये एरिया में कोई एक बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती है जी, बिल्कुल। और देखिए हमने वीडियो में भी साफ तौर पर देखा था कि किस तरह से मैनेजर के द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गई थी, और इस तरह का ये पहला मामला नहीं है, कई मामले इससे पहले भी आ चुके हैं। तो क्या कुछ अब आपका कहना है कि इन मैनेजर पर क्या शिकायत होनी चाहिए, आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई? बिल्कुल नैन्सी, मैं खबर भारत के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा, ये और भी ग्राहकों के साथ इसी तरह से अभद्र एवं दुर्व्यवहार भी किया जाता था। मेरे सामने देखते हुए भी उन लोगों से इसी तरह से बहसबाजी भी की जा रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम पेट्रोल पंप पर पैसे देकर भी पेट्रोल डलवाने के अलावा भी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार के भी शिकार होते हैं, और मैं शासन से अपील भी करना चाहूंगा खबर भारत के माध्यम से कि ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ये पेट्रोल पंप संचालक जो है किसी भी ग्राहक को परेशान ना करे जी। चलिए चलिए चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर शिकायतकर्ता की बात भी सुनी, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं और भी कई लोगों के साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई है। तो हम भी चाहेंगे कि शिकायतकर्ता जो जीडी भारती हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बात शासन तक पहुंचे, ये इन जैसे मनमाने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हर एक ग्राहक को न्याय मिल सके और इन अधिकारियों को लताड़ लग सके। क्योंकि देखिए, इस तरह के मामले अगर आए दिन सामने आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के लिए काफी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं।
हम खबर भारत के माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो मैनेजर हैं, जो इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं, ग्राहकों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ग्राहकों को न्याय मिल सके और एक जिस उम्मीद के साथ ग्राहक जाते हैं उन्हें वो उम्मीद पर वो कायम ताकि रह सके। और एक और शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गगन त्रिपाठी। तो देखिए गगन, क्या आपके साथ क्या वाकया हुआ, किस तरह से आपके साथ बदसलूकी की गई या फिर आपको गुमराह करने की कोशिश की गई, बताएं पूरा विस्तार से। मैडम, ये घटना कुछ समय पुरानी है, जब मेरे द्वारा अपनी गाड़ी में फुल पेट्रोल टैंक करने की बात की गई जी। तो मैंने कहा इस गाड़ी में फुल टैंक कर दीजिए, जो उनका कस्टमर केयर मतलब वो व्यक्ति पेट्रोल डाल रहा था उसने 1000 रुपए का सेट करके 1000 रुपए डाल दिया। मैंने बोला भाई मैंने फुल टैंक चलने का कहा आपसे, आप उसको 1000 रुपए क्यों कर रहे हो जी। तो आज ही मैंने चाहिए तो उन्होंने फिर 150 का पेट्रोल डाला जी, अलग अलग करके 150, 1000। मैंने उससे आपने फुल टैंक के लिए 1500 रुपए सेट कर दिया लिमिट। तो इस तरह की घटना मेरे साथ हुई, उनको जब मैंने उसकी शिकायत की उनसे तो उस तब भी उन्होंने सुनवाई नहीं की और उन्होंने अननेसेसरी अपनी बात रखने लगे कि ऐसा नहीं होता, मशीन अपडेटेड मशीन है इसलिए इसमें ऐसा नहीं होता। बट कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जी। तो ये कब की घटना है, कितने पुराने कितना समय हो गया इस घटना को? हेलो जी, ये घटना कितने पुरानी है, कितना समय हो गया इस घटना? मैडम अराउंड दिसंबर के आसपास की घटना आ रही है। आपको आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो जी मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपके साथ ये वाकया हुआ पूरा तो आपने किन किन अधिकारियों से इसके बारे में शिकायत की और क्या कुछ कार्रवाई की गई? इंडिया सबसे पहले मैंने लिखित में उनकी जो कंप्लेंट बुक रजिस्टर होता है उसमें शिकायत की मैंने जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल को ट्वीट भी किया और मैंने बाय जो इंडियन ऑयल का हेड ऑफिस है भोपाल उसमें मैंने कंप्लेंट की, मैंने नागचल विभाग में शिकायत की, जो अधिकारी थे नागचल विभाग के गिल का जी साहब जी। तो अब आप क्या चाहेंगे, खबर भारत के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हो? मेरा सबसे पहले निवेदन जो है कि किसी भी कस्टमर की बात सुनी जाए पहले, तो देने वाला महत्वपूर्ण होता है ना कि लेने वाला। भाई आपको हम पेट्रोल के पैसा दे रहे हैं या डीजल का पैसा दे रहे हैं तो आप उसको सुने तो भाई उसे कितना अमाउंट में पेट्रोल चाहिए, किस क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए, मतलब आपको हाई पावर चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल चाहिए, बिना सुने आप सीधा मशीन में सेट कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए जी। तो देखिए जब आपने इस पूरे वाकया पर मैनेजर से बात की हो, वहाँ के मैनेजर जी आपने बात की होगी, तो उनका क्या कुछ कहना था कि आप उनका किस तरह से आपके प्रति रवैया था? मतलब वहाँ पे जो जैन साहब थे, जो जैन साहब पूरा मैनेज करते हैं, जैन साहब है कोई, उन्होंने वो बताने लगे कि हमारा बेटा खुद ही इंडियन ऑयल में बहुत बड़ा अधिकारी है, ऐसा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप हम यहाँ पे बहुत बड़े वो है पावरफुल इंसान है, वो पैसे वाले हैं, आप क्या कंप्लेंट करोगे हमारी, वो इस टाइप का रिएक्शन था उनका जी। चलिए, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, हमने दूसरे शिकायतकर्ता गगन त्रिपाठी से बात की, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जब मैनेजर से उन्होंने शिकायत की, उनके सामने अपनी पीड़ा बताई, तो मैनेजर ने ये भपका दिया कि उनके बेटे ऑयल कंपनी में एक अधिकारी है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम लगातार देख रहे हैं, इससे पहले एक और शिकायतकर्ता जीडी भारती से हमारी बात हुई थी, उनके साथ भी मैनेजर के द्वारा बदसलूकी की गई। इसके बाद में दूसरे शिकायतकर्ता गगन त्रिपाठी से हमारी बात हुई, तो गगन त्रिपाठी को भी मैनेजर के द्वारा भपका दिया गया कि उनके बेटे ऑयल कंपनी में बड़े अधिकारी हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि इन अधिकारियों के हौसले जो हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे एक नहीं कई मामले हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर सिर्फ बदसलूकी ही नहीं बल्कि पेट्रोल डालने में भी हेरफेर किया जा रहा है, पेट्रोल मिलावट के मामले आ रहे हैं, सुविधा असुविधा के मामले आ रहे हैं, कई तरह के से मामले आ रहे हैं। और अब एक ये भी बात निकल कर आ रही है कि ये पेट्रोल जो है वो अवैध बना हुआ है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर शिकायत की जाती है, इन अधिकारियों के बारे में एक नहीं कई लोग शिकायत कर चुके हैं लेकिन आज तक कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि इन अधिकारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार लोगों से बदसलूकी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये पूरा मामला जो है वो आपको बता दें कि करौंद रोड स्थित आद्यांत पेट्रोल पंप का है, जहां पर एक शिकायतकर्ता से मैनेजर साहब ये कहते हैं, उन्हें मैनेजर गुमराह करते नजर आ रहे हैं। जब शिकायतकर्ता के द्वारा इनसे शिकायत पर्ची मांगी गई तो वे सीधा सीधा कुर्सी पर बैठकर पैर पर पैर रखकर गुमराह करते नजर आ रहे हैं। नंबर दूसरा दिया जा रहा है शिकायतकर्ता को, जब वो शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। दूसरे शिकायतकर्ता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि उनको भपका दिया गया। उन्होंने जब शिकायत की, मैनेजर से बात कही कि वे शिकायत करेंगे इस चीज की पुलिस प्रशासन में, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उनके बेटे जो है वो ऑयल कंपनी में अधिकारी है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम तीसरे इंसान से भी हम बात कर लेते हैं जो वहां के रहवासी हैं। कृष्णा पचौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कृष्णा, देखिए जिस तरह से हमारे पास ये मामले सामने आए कि लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, पेट्रोल में मिलावट की जा रही है, आप वहां के रहवासी हैं, आप आए दिन देखते होंगे इन मामलों को, तो क्या कहना है आपका? हेलो, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी, देखिए आप वहां के रहवासी हैं, आप आए दिन देखते होंगे, कई मामले आपके सामने भी आए होंगे जिनमें बदसलूकी कर रहे हैं या फिर पेट्रोल मिलावट की बात मिलावट कर रहे होंगे, तो क्या कुछ आपका कहना है? वो वहां पर जो पेट्रोल पंप है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बना हुआ है, और वहां जो शमशान उससे लगा हुआ शमशान घाट है, शमशान घाट आजकल नहीं है, जब करोत बसा होगा तभी का शमशान घाट है। करोत में एक ही शमशान हुआ करता था, वो वहाँ बना हाई टेंशन लाइन के नीचे पेट्रोल पंप बना दिया, शमशान के बगल में पेट्रोल पंप, उसको समझ में नहीं आ रहा, या तो वो पेट्रोल पंप की आड़ में उस शमशान को खत्म किया जा रहा है। पूरी तरीके से अवैध है वहाँ, और उनकी इतनी गुंडागर्दी हो गई है कि वहाँ पर अंत्येष्टि करने के लिए कोई जाते हैं तो उनको मना करते हैं। जी, तो देखिए एक बात ये भी निकल कर आ रही है, वहां पर जितने भी रहवासी हैं उनका ये कहना है कि ये पेट्रोल पंप जो है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? अवैध तरीके से बना जी, तो आपके द्वारा कभी शिकायत की गई इस चीज की कि ये पेट्रोल पंप अवैध है? पूरी जनता की तरफ से मांग की गई, उसको कई बार बोला भी गया लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रहता। वहाँ जनता को जो दबा दिया जाता है, वहाँ अंत्येष्टि करने के लिए रोका जाता है, और वो पेट्रोल पंप अवैध तरीके से बना है, वो आज का नहीं है, वो जो शमशान बना हुआ वो आज का नहीं है, जब ये करोड़ होगा तब का है वो, और वो उसकी शमशान होते हुए और हाई टेंशन लाइन के नीचे होते हुए उसको परमिशन कैसे मिल गई? हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी चलिए, तो यानी कि आप जब भी प्रशासन के पास गए तो आपकी आवाज को दबा दिया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो आप अब क्या चाहेंगे, क्या खबर भारत के माध्यम से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई हो, वो संस्थान के लिए 1,79,00,000 रुपए महापौर भोपाल महापौर के द्वारा मंजूर किया गया, उसका काम वहाँ रोक दिया जाता है, उस संस्थान को वहाँ उसको नहीं बनाने देने चाहते, वहाँ उसका कोई विस्तार नहीं होने देने चाहते, और वहाँ के जो कुछ के जो अवैध जो भूमाफिया है या उनके जो गुंडे है वो उसको वहाँ रोकते हैं। बड़ी परेशानी है, वो तो जनता बहुत परेशान है उसके पेट्रोल पंप बनने के बाद से। जी जी, तो जब आप लोगों के द्वारा विरोध जताया गया होगा, जब विरोध किया गया होगा, तो पेट्रोल पंप के अधिकारी जो मैनेजर है, जिस तरीके से वो बदसलूकी कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या उनके द्वारा कभी कुछ एक्शन लिया गया था? कुछ नहीं किया गया, बात को और दबाया दिया जाता है, मुद्दे उठाते हैं तो वो उसको झंडे बस्ते में डाल दे जाते हैं, कई जगह आवेदन निवेदन दे के थक गए, और आज जनता त्रस्त है क्योंकि उस शमशान पे आज अंत्येष्टि होने से रोकी जाती है उस पेट्रोल पंप की आड़ में, और जनता करोत की त्रस्त है उससे। जी नहीं, जब विपरीत आपके द्वारा जब इस पेट्रोल पंप के विपरीत में आवाज उठाई गई होगी, तो क्या मैनेजर के द्वारा आपकी आवाज को दबाया गया या फिर कोई ऐसे एक्शन लिए गए जिससे कि जनता आहत हुई हो? हेलो, और जिस तरह से हमने ये खबर को प्रमुखता से दिखाया था, हमने लगातार कई शिकायतकर्ताओं से बात की थी, हमने इस खबर को बड़े ही गंभीरता से लेते हुए हमने आम इंसान की बात प्रशासन तक पहुंचवाई थी, जिसका तत्काल असर हुआ, और तत्काल असर ये हुआ कि उस मैनेजर पर कार्रवाई हुई मैनेजर पर, और पुलिस प्रशासन के द्वारा बता दें कि पूरी कार्रवाई की गई है। ये खबर का असर तुरंत हुआ, खबर भारत ने इसको प्रमुखता से चलाया था, हमने लगातार कई शिकायतकर्ताओं से बात भी की थी, बात करते करते ही मैनेजर के ऊपर पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई कर दी है, यानी कि खबर का असर हुआ है। और
बता दें कि निषादपुरा थाने में ये पूरा मामला दर्ज कर किया गया, जिसके बाद में मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई, यानी कि ग्राहकों को उनका उनको न्याय मिल चुका है। ग्राहकों को साथ जो बदसलूकी की गई थी, जो पेट्रोल में मिलावट के केस आए थे, जो असुविधा के केस आए थे, वो सभी केसों पर ग्राहकों को न्याय मिल चुका है। खबर हम आपको बता दें कि खबर भारत ने प्रमुखता से चलाई थी, ग्राहकों के जो भी शिकायत थी उसको प्रशासन तक पहुंचवाया था, जिसका असर ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो प्रदीप, देखिए जिस तरह से हमने ये खबर को प्रमुखता से चलाया था और उसका असर ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से खबर भारत ने इस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया है, क्योंकि जनता के हितों के जो चीजों को ध्यान रखते हुए खबर भारत ने हर खबर को अपनी प्रमुखता से दिखाया है, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण ये देखने में आया कि जिस प्रकार से शासन परिषद द्वारा है जो मैनेजर है आशुतोष, उसके खिलाफ 293 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है जी। अब ये देखा जा रहा है कि ऐसे जो और जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, जो लोगों के साथ अभद्रता करते हैं या जिस प्रकार से उनके साथ अड़ीबाजी करके जिस तरीके से बात करते हैं, या पेट्रोल में मिलावट हो या पेट्रोल की कमी कम देने की बात हो, अब उस पर कहीं ना कहीं जो है लोगों को जागरूक करने का काम जो है खबर भारत ने किया है जी, कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा जो है सकारात्मक परिणाम जो है निकल के सामने आएगा जी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि खबर भारत ने इसको प्रमुखता से चलाया था, जिसके तत्काल प्रभाव से ही मैनेजर पर कार्रवाई की गई है, मैनेजर पर कार्रवाई करते हुए बता दें कि निषादपुरा थाने में ये पूरी कार्रवाई की गई और हालांकि अब ग्राहकों को न्याय मिल गया है। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाए, जनता की हर परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाए और ग्राहकों के और जनता के हर शिकायत पर हम यहां जन भावना से काम करते हैं।